नवागढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते प्रोटोकॉल के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नगर पंचायत अध्यक्ष भुवनेश्वर केशरवानी ने बताया है कि 4 दिन तक लगातार यह कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हर दिन अलग अलग तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके पहले दिन मास्क और सैनिटाइजर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वितरण किया गया और वहीं उन्होंने बताया है कि दूसरे दिन सूखा राशन दिया जाएगा। आज राजीव गांधी जी के इसी पुण्यतिथि के अवसर में हम सब कांग्रेस कमेटी के आह्वान में पूरा श्रद्धांजलि देने वाले हैं। हमारे मुखिया के कहना है कि अगर राजीव गांधी जी का हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो ये कोरोना काल में पीड़ित होकर सहयोग करें, मास्क वितरण करें, जे गरीब परिवार है पीड़ित है वह हम सूखा राशन के वितरण करें। इस कड़ी में हमारे आज कार्यक्रम हम ला सकते जी उपस्थित थे। आज मास्क पीड़ित अगले कड़ी में हम सूखा राशन के भी वितरण कर दें और आज तक कांग्रेस जन पूर्व प्रधानमंत्री राम सम्मानी राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि में हम उपस्थित हैं। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवगढ़ के द्वारा राजीव गांधी जी की तीसरी पुण्यतिथि मनाई गई और इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मास्क वितरण सभी कार्यक्रम रखा गया। सभी अस्पताल में भी आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के तीसरी पुण्यतिथि के अवसर में और पूरा काल आतंकवाद विरोधी काला दिवस के रूप में आज मनाया जा रही और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर चंद्राकर जी, हमारे जिला के संगठन प्रभारी अर्जुन तिवारी जी और हमारे क्षेत्र के छाया विधायक मोतीलाल देवांगन जी और हमारे नवागढ़ ब्लॉक के प्रदेश के प्रतिनिधि सचिव रवि पांडे जी और हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई भुवनेश्वर केशरवानी जी के मार्गदर्शन में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा राजीव गांधी पुण्यतिथि आयोजन के कार्यक्रम